आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दिल्ली चुनाव में मुकाबला सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है, लेकिन कई एंगल से कांग्रेस ने इस मुकाबले को त्रिकोणी बनाने की कोशिश की है। चुनाव में कुल 672 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज जब सुबह मतदान शुरू हुआ तो वोटिंग की रफ्तार में सुस्ती रही, लेकिन दोपहर के बाद मतदान में तेजी आई। 3 बजे तक करीब 45% वोटिंग हुई। दिल्ली की पहली विधानसभा का गठन 1993 में हुआ था और इस बार यहां पर 7वां विधानसभा चुनाव कराया जा रहा है। दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा में इस बार महज एक चरण में मतदान हुआ। मतदान के दिन भी भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग जारी रही। इस बार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी और सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच सियासी घमासान मचा है। यह जुबानी 3 सीएम केजरीवाल द्वारा हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान के सामने आए एक वीडियो के बाद हुआ है। दरअसल वीडियो में केजरीवाल पूजा करने के पहले दोनों हाथों से जूते उतारते दिखाई दिए थे। इस पर मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्हें नकली भक्त बताया था और हनुमान जी को अशुद्ध करने की बात कही थी। इसके जवाब में केजरीवाल ने उनके द्वारा हनुमान जी की पूजा करने पर भाजपा द्वारा मजाक उड़ाए जाने की बात कही थी। तिवारी ने कहा था वो पूजा करने गए थे या हनुमान जी को अशुद्ध करने गए थे। एक हाथ से जूता उतार के उसी हाथ से माला लेकर क्या कर दिया, जब नकली भक्त आते हैं ना तो यही होता है। मैंने पंडित जी को बताया, बहुत बार हनुमान जी को धोए हैं। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने मुख्यमंत्री कमलनाथ पर अनिल अंबानी के जरिए निशाना साधा है और कहा प्रदेश में अब उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की सरकार है। मुख्यमंत्री स्वयं उद्योगपति हैं, उन्हें जनता और गरीबों की चिंता से ज्यादा उद्योगपतियों की पूंजी बढ़ाने की चिंता है। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, दूसरी ओर उद्योगपतियों को छूट दे रहे हैं, उनकी देनदारी किस्तों में बांट रहे हैं। प्रदेश के वित्तीय हितों पर कुठाराघात है। मुझे इस पर घोर आपत्ति है, इसलिए भी क्योंकि अंबानी की जो नेटवर्थ है वो खरबों रुपया है। अब उनको 450 करोड़ रुपए की छूट देना या फिर किस्तों में उसको बांटना, मैं मान भी चलता हूँ कि राज्य के साथ में अन्याय है। एक तरफ कमलनाथ सरकार कहती है कि मध्य प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है वो ठीक नहीं है और हम आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, और दूसरी तरफ से एक उद्योगपति का 1.5 अरब रुपया इस तरह से छोड़ना या फिर उसको किस्तों में बांटना, उसको विलंबित करना, मैं मान के चलता हूँ कि मध्य प्रदेश के हितों पर कुठाराघात है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीर सावरकर पर देश के बंटवारे का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। बघेल ने कहा दो राष्ट्र का सिद्धांत सावरकर लेकर आए और मुस्लिम लीग ने उनका साथ दिया। बघेल ने कहा कि सबसे बड़ी पंचायत में प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो उन्हें शोभा नहीं देती। प्रधानमंत्री जैसे पद में रहते हुए वो भी लोकसभा जो सबसे बड़ा पंचायत है, लोकतंत्र का सबसे बड़े मंदिर है, वहाँ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कम से कम प्रधानमंत्री शोभा नहीं देता। बहुजन समाज पार्टी के विधायक रामबाई ने सवाल खड़ा किया कि कांग्रेस ने दलितों को कब सम्मान दिया, इन्होंने दलित के लिए कभी कुछ नहीं किया। हाँ, उसका इस्तेमाल वोट बैंक के रूप में जरूर किया। उन्होंने कहा कांग्रेस ने तो बाबा साहब अंबेडकर पर भी अत्याचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चुनाव आते हैं तो कांग्रेस दलित की बात करने लगती है और फिर दलित को भूल जाती है। उन्होंने कहा कांग्रेस में सिर्फ मुख्यमंत्री कमलनाथ एक ऐसे नेता हैं जो दलितों और आदिवासियों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। आज अगर कुछ दलित वर्ग के लिए, आदिवासी के लिए कोई पूछ रहा है तो वो कमलनाथ जी हैं और मैं इसके लिए कमलनाथ जी को ही धन्यवाद दूंगी और किसी ने तो कभी नहीं पूछा। एसिड अटैक पीड़ित लक्ष्मी पर आधारित फिल्म छपाक को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने को लेकर कलेक्टर जटिया ने फेसबुक प्रोफाइल पर फिल्म का पोस्टर अपलोड करते हुए लिखा था तुम चाहे जितनी घृणा करो हम देखेंगे छपाक। इस पर एक मित्र ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि जेएनयू के लोग जो सीए और एनआरसी का विरोध कर रहे हैं और कुछ अभिनेता उनका समर्थन, क्या ये सही है? जो हमला हुआ है उसकी जांच सही तरीके से होना चाहिए। इसका जवाब देते हुए जटिया ने लिखा था कि उन्हें अपने विवेक का इस्तेमाल करना आता है, वे सीए एनआरसी का सपोर्ट नहीं करते। हालांकि
विवाद बढ़ने पर उन्होंने इस पोस्ट को न सिर्फ हटा दिया बल्कि इस संबंध में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल लालजी टंडन को पत्र लिखकर तो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने सरकार से कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। राज्य सरकार ने तो इस मामले में कुछ नहीं किया पर केंद्र क्रामिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने जरूर पत्र लिखकर जवाब मांग लिया है। भोपाल के महापौर आलोक शर्मा ने कांग्रेस की पार्षद साबिस्ता जकी पर आरोप लगाया है कि रानी कमलापति आर्च ब्रिज के पास पार्षद ने 25,000 स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा किया है और कब्जे वाली जमीन पर हेल्थ क्लब बनाया है। महापौर ने सीएम कमलनाथ से मांग की है कि साबिस्ता जकी के कब्जे से शासकीय जमीन मुक्त कराई जाए। साथ ही महापौर ने कहा कि स्मार्ट रोड का सरकार लोकार्पण नहीं करने दे रही है, कमलनाथ सरकार रास्ते में बने मकानों के अतिक्रमण को भी नहीं हटाने दे रही है। इन सभी मुद्दों पर कमलनाथ की सरकार के विरोध में महापौर आलोक शर्मा अपने नगर सरकार के नेतृत्व में भारत माता चौराहा जवाहर चौक पर धरने पर बैठे। प्रदेश के तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भोपाल के पहले स्मार्ट रोड का भूमि पूजन किया था। ये स्मार्ट रोड 32 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है और इसमें ये नए भोपाल और पुराने शहर को जोड़ने वाला एक नया स्मार्ट मार्ग बनकर भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने तैयार किया है। ये अभी तक भोपाल की जनता को लोकार्पित हो जाना चाहिए पर जो इस क्षेत्र की पार्षद है, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के सबसे खास अपने आप को बतलाती हैं, लगातार भी स्मार्ट रोड में गतिरोध बनी हुई है, बाधक बनी हुई है, वे लगातार इस रोड को बनने नहीं दे रही है। मेरे को जनता के बीच में आना पड़ा, जनता की अदालत में आना पड़ा। सारे पार्षदों ने कहा कि महापौर जी जिला प्रशासन सुन नहीं रहा, कलेक्टर भोपाल सुन नहीं रहे, संभाग आयुक्त सुन नहीं रहे, DIG भोपाल सुन नहीं रहे, नगर निगम के कमिश्नर सुन नहीं रहे, आखिर करें क्या। मध्य प्रदेश में बेखौफ होकर रेत खनन माफिया रीवा में त्योंथर के मध्य से गुजरने वाली जीवनदायिनी टमस नदी का सीना छलनी कर रहे हैं। नदी में मशीनों की मदद से प्रशासन की नाक के नीचे गंगतीरा घाट, डेघर और चिल्ला घाट में रेत निकालने का अवैध कारोबार किया जा रहा है। कमलनाथ सरकार और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। प्रशासन की अनदेखी के चलते हैवी मशीनों से प्रतिदिन यहाँ रेत की अवैध निकासी होती है। रेत माफिया बेखौफ होकर त्योंथर चौकी सुहागी थाना के क्षेत्र से रेत ले जाते हैं। वहीं पूरे गोरख धंधे में जिम्मेदार अधिकारी एक दूसरे को पत्र लिखने की जानकारी देकर पल्ला झाड़ने में लगे हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है। सूत्रों की माने तो प्रतिदिन 50 से अधिक गाड़ियां रेत निकालकर उसको जिले के अलावा उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में सप्लाई किया जाता है। इस मामले को लेकर जब त्योंथर SDM MP बरार से बात की गई तो उन्होंने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया, हमने कलेक्टर व खनिज विभाग को पत्र लिखा है। इस संबंध में मैं पहले ही कलेक्टर को लिखा, खनिज अधिकारी को लिखा, पुलिस को भी लिखा और इसकी रोकथाम के लिए जो परिवहन है एक इसका बैरियर या अस्थाई चौकी बनाने के लिए भी लिख चुका हूँ और कलेक्टर साहब को भी मैं बता चुका हूँ, तो निकट भविष्य में इसकी जो है सख्त कार्रवाई होगी पूरी टीम के साथ। वहीं त्योंथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी का कहना है कि हम समय समय पर अधिकारियों को इसकी जानकारी देते हैं, अगर यह कहा जाए कि माफिया के सामने प्रशासन ने भी घुटने टेक दिए हैं तो गलत नहीं होगा। एक तरफ तो प्रदेश सरकार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का दम भरते नहीं थक रही और दूसरी ओर खुलेआम रेत का अवैध परिवहन चल रहा है। शासन को हर माह लाखों की चपत लग रही है। यूं तो अवैध उत्खनन को लेकर खनिज मंत्री और कंप्यूटर बाबा की जंग जारी है, दोनों ही अवैध उत्खनन रोकने का दम भरते हैं, लेकिन लगातार बढ़ रही अवैध घटनाओं ने इन नेताओं के दावों की पोल खोल दी है। कंप्यूटर बाबा के संतों के साथ नदी किनारे अवैध उत्खनन रोकने के लिए डेरा डालने वाली बात भी अब समझ से परे हो गई है। समय समय पर हमने कलेक्टर और SDM से इस संबंध में चर्चा किया है, उन्होंने आश्वासन दिया कि ये अवैध खनन हम नहीं होने देंगे, लेकिन आपको ये मालूम है आप पत्रकार हैं, हम फिर से उस संबंध में जानकारी संज्ञान में लेके सीधे कलेक्टर से बात करते हैं कि यहाँ अवैध उत्खनन हो रहा है, इस पर प्रतिबंध लगाने का काम करें। बड़वारा थाने इलाके में देर रात एक कार और ट्रक की आमने सामने हुई टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। दोनों ही वाहनों की रफ्तार बहुत तेज थी।
राख से भरा हुआ ट्रक कटनी जा रहा था और कार कटनी से बाहर की ओर जा रही थी। इसी दौरान दोनों के आमने सामने टक्कर हो गई और कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिनके नाम मोहन सिंह, रवि पटेल, कल्ला वर्मा है। ये सभी जगतपुर उमरिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद जगतपुर गांव में मातम छा गया है। हादसे के बाद रास्ते से गुजर रहे अन्य लोगों ने रुककर घायलों का बाहर निकाला और घटना की सूचना पुलिस और एम्बुलेंस को दी। छत्तीसगढ़ में पुलिस ने अब हाईटेक तरीके से अपराधियों पर नियंत्रण करने की तैयारी कर ली है। बस्तर पुलिस ने अपराधियों पर नजर रखने के लिए 70 से अधिक सीसीटीवी कैमरे शहर के प्रमुख स्थानों पर लगाए हैं, जिसकी 24 घंटे कंट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी। संवेदनशील समझे जाने वाले बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर में पुलिस अब हाईटेक तरीके से अपराधों पर नियंत्रण की तैयारी कर चुकी है। शहर में लगाए गए ये सीसीटीवी कैमरे जहां एक ओर आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखेंगे, वहीं यातायात नियमों को भी तोड़ने वालों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को उनके घर पर चालानी नोटिस भेजा जाएगा। सीसीटीवी के शुरू होते ही यातायात पुलिस ने यातायात नियम तोड़ते कैमरे में कैद करीब 100 लोगों पर चालानी कार्रवाई भी कर दी है। क्योंकि जगदलपुर शहर एक सेंसिटिव जिला है और यहाँ बाहर उड़ीसा बॉर्डर लगा हुआ है, बाहर के लोग आकर अपराध करते हैं, तो सीसीटीवी के माध्यम से हम पूरे जिले को, जगदलपुर शहर को निगरानी में रखे हुए हैं। किसी भी प्रकार का चोरी या कोई दूसरा घटना या संदिग्ध गतिविधियाँ मिलती हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जा सकती है। इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए अभी हाल ही में एक चोरी का भी खुलासा हुआ है और हम ये उसको इस उद्देश्य से उस पर निगरानी रखे हुए हैं कि जितने भी अपराधी हाईटेक होते जा रहे हैं और अपराध को रोकने के लिए हमको भी हाईटेक होना पड़ेगा। इसके साथ ही हम जो अपना वाहन चालक हैं वो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास मैन पावर कम है तो हम हमेशा उनको पुलिस पकड़ नहीं सकती है, तो हम उनको भी सीसीटीवी के माध्यम से उस पर नज़र रखी हुई है और उनको घर घर जा करके नोटिस दिया जा रहा है जिन्होंने यातायात के नियमों का उल्लंघन किया। नशे के विरुद्ध छेड़े गए अभियान में बरगवा पुलिस ने महदेइया स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन से गांजा तस्करी करके ले जा रहे 3 गांजा तस्करों को पकड़ा है। मुखबिर की सूचना पर तस्करों से 1,32,000 कीमत की 10 किलो गांजा, 50,000 रुपए और एक बाइक जब्त किए हैं। एसपी अभिजीत रंजन ने बताया कि तीनों आरोपी अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर हैं। इनके विरुद्ध इसके पहले भी अन्य कई अपराध दर्ज हैं। ये तस्कर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से गांजा लाकर सिंगरौली में खपाने का काम करते थे। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद नशे का कारोबार करने वाले तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस टीम को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने 10 किलो गांजे के साथ 3 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एक्चुअली ये सूचना मुखबिर के माध्यम से हमें पता चली थी कि गोदवाली स्टेशन के पास एक यूपी से व्यक्ति गांजा लेने के लिए आ रहा है और 2 लोग उसको सप्लाई करने के लिए ट्रेन से वहाँ पर गांजा लेके पहुँच रहे हैं। पुलिस ने एम्बुस लगाया और तीनों ही व्यक्ति को वहाँ रंगे हाथों गिरफ्तार किया और उनके पास से सम्मिलित रूप से 1,25,000 से ऊपर मूल्य के लगभग 10 किलो गांजा जो है पुलिस ने बरामद किया। बमीठा पुलिस स्टेशन के बहरपुरा गांव में एक प्रेमी प्रेमिका ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस को सूचना मिली थी कि युवक युवती एक साथ फांसी पर लटके हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि नीरज पाल और उसकी प्रेमिका सुषमा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। सुषमा की शादी 11 तारीख को होना थी और उसके घर पर शादी के कार्यक्रम चल रहे थे, लेकिन अपने प्रेमी के साथ शादी न होने की वजह से वो परेशान थी। कल शाम दोनों ने तय किया कि जब वे एक दूसरे को नहीं मिल पा रहे हैं तो वे फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे। इसके बाद दोनों ने एक साथ फांसी लगा ली। घटना के बाद से गाँव में मातम छाया हुआ है। हम गए थे हीरा पर शादी होने थी, जो है हमने मतलब गए थे तो हमको कोई पता नहीं है। हम कैसे पता पड़ा आपको? हमको फोन लगाया तो हम आए तो हमको फांसी दे जी दिखाने सामने। कौन कौन है फांसी पे? जी हैं पार के लड़का और पटेल जी। सुबह आज 8 बजे मुझे सूचना मिली थी फोन से कि ग्राम बहारपुरा में एक लड़का लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली आम के पेड़ से गाँव में ही। तो सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स के साथ में यहाँ पे आए, देखा तो प्रथम दृष्टया मामला ये
प्रेम प्रसंग का लग रहा है, दोनों आत्महत्या कर लिए फांसी लगाकर पेड़ से। मृतका का नाम क्या है? मृतका का नाम है कुमारी सुषमा और पिताजी का नाम है भैरव पटेल, 18 साल। लड़के का नाम है नीरज, पिता सेवापाल, 20 साल। स्पष्ट नहीं कह सकते, तो वह बॉडी की पहचान नहीं है, इंसान कौन है। वैसे बॉडी बनावट, कपड़े पहनाए से मजदूर टाइप की डेड बॉडी लग रही है, 30 से 40 इसके बीच का कोई अज्ञात व्यक्ति है। और अब उसका पीएम कराते हैं, पीएम के बाद में जैसी स्थिति होगी वैसी आगे कार्रवाई की जाएगी। पीएम के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि क्या घटना घटित कैसे हुई, क्या हुई। मुगावाली पुलिस ने 5,000 के इनामी 2 आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर धर दबोचा। 12 जनवरी को राघवेंद्र नामक युवक से इन बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें इन्होंने राघवेंद्र को रात के समय सुनसान इलाके में ले जाकर 20,000 व 2 मोबाइल लूट लिए थे। पुलिस को इन अपराधियों की बहुत दिनों से तलाश थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि संजू प्रताप बागड़ी के पास एक नया एंड्रॉइड मोबाइल है जो कि लूट का बताया जा रहा है, जिसके बाद थाना प्रभारी रोहित दुबे ने टीम गठित कर आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली। दिन पहले राघवेंद्र पुत्र हरगोविंद धोखी निवासी ग्राम भरवा ने थाना मंगवानी रिपोर्ट की थी कि 11 जनवरी की शाम को वह केव सेंटर से जब अपने घर भरवा जा रहा था, तब बीच में दो अज्ञात बदमाशों द्वारा उसका रास्ता रोक के उसका लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें उससे 20,000 रुपये व 2 मोबाइल, जिसमें एक रेमेडी कंपनी व एक आईफोन को छुड़ा लिया गया था। घटना में लूटा हुआ रेमेडी कंपनी का मोबाइल व 3,500 रुपये जब्त किए गए एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्प्लेंडर जब्त की गई एवं उनके एक अन्य साथी जितेंद्र बागड़ी को दिनांक 7/2/2020 को पुलिस द्वारा सहमतगिरी से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से घटना में लूटे हुए रुपयों में से 6,500 रुपये जब्त किए गए हैं। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को न्यायालय पेश कर जेल भेज दिया। टीकमगढ़ के पंचवर्षीय भारत स्काउट एवं गाइड के निर्वाचन निर्विरोध सम्पन्न हुए। जिला परिषद के विशेष अधिवेशन में निर्वाचन अधिकारी एसके सोनी की बीमार हो जाने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी जेएस भरकरे द्वारा राज्य मुख्यालय के विशेष प्रतिनिधि गजराज सिंह, सहायक राज्य संगठन आयुक्त सागर संभाग की उपस्थिति में अध्यक्ष पद पर रामेश्वर रजक को, उपाध्यक्ष पद पर अकरम खान के साथ अन्य लोगों को निर्वाचित किया गया। निर्वाचित सभी पदाधिकारियों को जिला शिक्षा अधिकारी जेएस भरकरे ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। अधिवेशन उपरांत नवीन कार्यकारिणी की बैठक जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में रखी गई, जिसमें कुछ अन्य पदों के लिए निर्वाचन संपन्न हुए। आपको बता दें कि लगभग 20 वर्ष बाद भारत स्काउट एवं गाइड के निर्वाचन टीकमगढ़ में आयोजित किए गए, जिसमें टीकमगढ़ डीओसी मुंशीलाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस कार्यक्रम में भारत स्काउट और गाइड से जुड़े कई सदस्यों ने भागीदारी की और स्काउट और गाइड को टीकमगढ़ जिले में एक नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। यहां पर भारत स्काउट गाइड जिला कार्यकारिणी का माने जो है पूर्व में उसकी अवधि समाप्त हो चुकी थी, नई कार्यकारिणी का गठन होना था, जिसमें माने जो है इसकी निर्वाचन की प्रक्रिया विगत 4 माह से इसकी प्रक्रिया शुरू की गई थी और उसमें जो है उसमें कुछ निर्विरोध या प्रतिनिधि जो है चुने गए हैं, जिनमें अध्यक्ष रामेश्वर रजक जी, उपाध्यक्ष अकरम खान जी। सर्वप्रथम सबसे पहले भारत सब गाइड के सभी पदाधिकारी को मेरा शाह धन्यवाद। और पहली प्राथमिकता जो होगी कि जो कार्य गतिविधियाँ रुकी हुई थी स्काउट गाइड की, उसको सुचारू रूप से कैसे आगे बढ़ाया जाए, स्काउट गाइड कैसे एक अच्छा मुकाम हासिल करे, यही मेरी सोच है, यही मेरे कार्य भविष्य में होंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
देख रहे हैं दखल न्यूज।